नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी को एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 19 अक्टूबर 2024 शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। एसआई पेपर लीक 2021 में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने शनिवार सुबह 5 बजे नागौर में छापेमारी की और गांव खजवाना को डिटेन करते हुए वहां से फरार आरोपियों के परिवार का एक सदस्य भी शामिल पाया। इसके अलावा एसओजी भर्ती परीक्षा मामले में बीकानेर में 9 ठिकानों पर सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक एसओजी ने कार्रवाई की और यहां से भी 7 लोगों को डिटेन किया गया। यहां पर सारी जानकारी पुलिस को दी गई है और इसके बाद टीमों ने सभी को 3 गाड़ियों में ले जाकर जयपुर के लिए रवाना किया। डिटेन किए गए आरोपियों में राम सिंह और सुनील कुमार शामिल हैं। कुचेरा थाना एएसएचओ सुनील कुमार ने बताया कि एसओजी की टीम ने कार्रवाई करने से कुछ ही देर पहले थाना पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी थी और अभी भी थाना क्षेत्र में एसओजी के अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं। सीकर में सऊदी अरब की करेंसी रियाल को भारतीय रुपए में एक्सचेंज करवाने का झांसा देकर लाखों की ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने दुकानदार को पैसों की जगह बैग में अखबार के बंडल भर के दे दिए। मामला सीकर के उद्योग नगर क्षेत्र का है। जिला पुलिस अधीक्षक को दी गई रिपोर्ट में गजानंद कुमावत वार्ड नंबर 21 लोसिल ने बताया कि लोसिल में स्थित उसकी दुकान पर सलीम नाम का एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि उसके पास सऊदी अरब की करेंसी रियाल है। इसके पास 1664 सऊदी रियाल के नोट है, जिसके बाद आरोपी सलीम ने गजानंद से कहा कि यह नोट गजानंद ले ले और इसके बदले उसे भारतीय मुद्रा दे दे। तो सलीम ने बताया कि बस स्टैंड के पास उसकी खाली रहती हुई जमीन में उसके पास सऊदी रियाल मिल जाएंगे। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने चिकित्सा को व्यवसाय नहीं सबसे पवित्र सेवा कहते हुए कहा कि चिकित्सक को कम से कम दवा और सस्ता सुलभ रोगियों को ठीक करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। बागड़े आज शनिवार को इंटरनल हॉस्पिटल द्वारा सिनाई हॉस्पिटल के सहयोग से आयोजित हार्ट कॉन्क्लेव में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने हृदय रोग से बचाव और जागरूकता के प्रचार किए जाने पर भी जोर देते हुए कहा कि हृदय रोग इस समय सबसे बड़े रोग के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। हर उम्र के लोगों को यह हो रहा है कि इससे बचाव के साथ इसके होने पर जीवन रक्षा के लिए निरंतर कार्य किया जाए। भरतपुर और डीग जिले के गांवों में घातक बीमारी डिप्थीरिया कहर बरपा रही है और यहां 20 दिन में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। बीमारी की चपेट में आने के बाद किसी बच्चे ने 15 तो किसी ने 24 घंटे में दम तोड़ दिया। किसी की मां की गोद में मृत्यु हुई है और अभी भी 16 बच्चे ऐसे हैं जो डिप्थीरिया की चपेट में हैं। इनकी मौतों के बाद उन इलाकों में दहशत है। दम तोड़ चुके कुछ बच्चों के परिजनों ने स्वीकार किया कि वे झाड़ फूंक में लगे रहे और बीमारी को समझ नहीं पाए। कई लोग इसे सामान्य सर्दी जुकाम भी समझ रहे थे। भारत में दीपोत्सव का पर्व नजदीक आने के साथ ही सोने और चांदी की कीमत में रिकॉर्ड तेजी आ गई है। शनिवार को सोने की कीमत में 500 रुपए की तेजी आई और इसके बाद 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 80,000 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है और वहीं चांदी की कीमत में 3,600 रुपए की तेजी आई है। चांदी की कीमत 98,500 रुपए पर आ गई है, जबकि चांदी प्रति किलो की कीमत पर 1,00,000 रुपए पर भी पहुंच सकती है। कोटा में शिक्षा व पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर की पहल पर विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी में आयोजित किए जा रहे सरकार आपके द्वार जनसंख्या समाधान शिविर में मंत्री दिलावर भी मौजूद रहे। शनिवार को जुलमी में आयोजित समस्या समाधान शिविर में ग्रामीण महिला से ठगी करने का मामला सामने आया। गुड़ीबाई निवासी जुलमी वार्ड नंबर 7 जो कि विधवा एकल महिला ने मंत्री दिलावर को प्रार्थना पत्र देकर कहा कि मैंने रक्षाबंधन के 4 दिन पहले बिजली कनेक्शन करवाने के लिए विभाग को 3,000 रुपए दिए थे, परंतु अभी तक कनेक्शन नहीं हुआ है। इस पर मंत्री ने बिजली विभाग के अधिकारियों को बुलाया और पूछा तो पता चला कि राकेश नाम का व्यक्ति बिजली विभाग में कार्यरत ही नहीं है। मंत्री दिलावर ने तत्काल पुलिस भेजकर राकेश नाम के व्यक्ति को बुलवाया तो उसने बताया कि कनेक्शन के लिए फाइल बनाने के लिए पैसे दिए थे। फाइल के 1,200 खर्च हो गए और बाकी 1,800 रुपए महिला को लुटा दिए हैं। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम ने अल सुबह ब्यावर में छापा मारा और यहां से 3 लोगों को पकड़कर ले गई। तीनों पर पेपर लीक में शामिल होने का आरोप है और तीनों ब्यावर की कोर्ट में पोस्टेड हैं और यहां किराए के मकान पर रहते हैं। एसओजी ने फिलहाल इसे लेकर कोई खुलासा नहीं किया। ब्यावर सिटी के थाना प्रभारी ने बताया कि एसओजी की टीम सुबह 5 बजे यहां पहुंची और बताया कि पेपर लीक के मामले में 3 व्यक्ति वांछित है और यहां मसूदा रोड पर रहते हैं। ऐसे में पुलिस इमदाद की जरूरत बताई और इस पर पुलिस इमदाद उपलब्ध कराई गई। आगामी त्योहारी सीजन के लिए यात्री भार को देखते हुए ट्रेन के डिब्बों में अस्थायी बढ़ोतरी की गई है और यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने कई रूट पर चलाई जा रही ट्रेन के डिब्बों में बढ़ोतरी की है। स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त स्टाफ भी लगाए गए हैं और विशेष काउंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा रेलवे की ओर से चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों के बारे में भी अनाउंसमेंट किया गया है। रेलवे स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आरपीएफ के जवान नियुक्त किए गए हैं।
दिल्ली उदयपुर अमृतसर अजमेर दिल्ली जोधपुर समेत राजस्थान के कई रूट पर चलने वाली ट्रेनों में डिब्बे भी भराए गए हैं। जयपुर एसीबी की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में राजकॉम्पो इन्फो सर्विसेज लिमिटेड के ग्रुप जनरल मैनेजर पर छापेमारी की है। छत्रपाल सिंह के जयपुर दिल्ली और गाजियाबाद के ठिकानों पर सर्च चल रहा है और दिल्ली और गाजियाबाद में स्थित घर पर भी पोर्श डिफेंडर जैसी लग्जरी कारें मिली है। डीजी एसीपी ने बताया कि एसीबी को शिकायत मिली थी कि राजकॉम्प के ग्रुप जनरल मैनेजर छत्रपाल सिंह ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है। इस पर शिकायत का सत्यापन कराया गया और सत्यापन में शिकायत की पुष्टि होने पर आज कोर्ट से आदेश लेकर सर्च अभियान शुरू किया गया। आसाराम का बेटा नारायण साईं 11 साल बाद उससे जोधपुर के सेंट्रल जेल में मिल पाएगा। गुजरात हाईकोर्ट ने मानवीय आधार के पहलू को ध्यान में रखते हुए नारायण की याचिका पर मंजूरी दी है। इसके लिए नारायण साईं को 4 घंटे की अनुमति मिली है और जज इलेश वोरा की बेंच ने साईं की 30 दिनों की जमानत को खारिज कर दिया था, लेकिन पुलिस सुरक्षा में अपने खर्चे पर मानवीय आधार के चलते अपने पिता आसाराम से मिलने की 4 घंटे की अनुमति दी है। साईं ने 30 दिन की जमानत के साथ याचिका में अपने पिता की उम्र और बीमारियों का हवाला देकर मिलने की गुजारिश की थी। चूरू के डीबी अस्पताल में तबियत खराब होने पर डॉक्टर को दिखाने के लिए आए व्यक्ति की जेब कट गई। घटना का पता बुजुर्ग को खुद की जेब चेक करने पर लगा, जिस पर बुजुर्ग ने घटना की शिकायत अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर हनुमान जयपाल से की, जिस पर अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच करवाई है। अस्पताल में आए आमीन चेजारा ने बताया कि उसकी तबियत खराब है और इसके चलते वह अस्पताल में फिजिशियन डॉक्टर को दिखाने के लिए आया था। आउटडोर के कमरा नंबर 1 में फिजिशियन डॉक्टर को दिखाया, जिस पर डॉक्टर्स ने अच्छी तरह से देखकर दवाई भी लिख दी थी। इसके बाद बीपी और शुगर चेक करवाने के लिए एनसीडी क्लिनिक में गया, वहां लाइन लगी हुई थी और इसी दौरान किसी ने उसकी जेब काट ली। डूंगरपुर में विधानसभा में उपचुनावों को लेकर आचार संहिता के तहत एसटी टीम की ओर से पहली बड़ी कार्रवाई की गई। एएसटी ने गुजरात से सटे पुनावाड़ा बॉर्डर पर एक कार से 10.5 लाख रुपए का कैश पकड़ा। कैश परिवहन को लेकर कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिले, जिस पर एएसटी ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। सिमलवाड़ा एसडीएम कपिल कुमार कोठारी ने बताया कि विधानसभा उपचुनावों को लेकर आचार संहिता लागू है और इसके तहत बिना डॉक्यूमेंट के 50,000 या इससे ज्यादा का कैश और जेवरात ले जाने पर सख्ती है। राजस्थान गुजरात के पूनावाड़ा बॉर्डर पर एएसटी टीम ने प्रभारी दीपक कोटेड़ की टीम ने एक ऑल्टो कार को रुकवाया और कार में सवार डूडी निवासी चंद्रपाल और मंगल सिंह निवासी लबाना से पूछताछ की और दोनों घबरा गए, जिस पर एसएसटी की टीम ने कार की तलाशी ली। कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रही शकुंतला रावत ने डीजीपी उत्कल रंजन साहू से गुहार लगाई और कहा कि 2 बार मेरे घर और 1 बार मेरे ससुराल में घुसने का प्रयास हुआ है, कोई सामान नहीं चुराया, मुझे लगता है बस रेकी की है। 25 दिन में यह अब तीसरी बार है और कोई बड़ी घटना हो जाएगी और उसके बाद पुलिस सक्रिय होगी। अलवर एसपी संजीव नैन ने बताया कि पूर्व मंत्री के मकान की छत पर एक नाबालिग चोरी करने का प्रयास किया गया था और उस नाबालिग ने आसपास के कई मकानों में छोटी मोटी चोरी की है। यही नाबालिग पूर्व मंत्री के दोनों मकानों में चोरी करने के मकसद से घुसा है और अन्य वारदातों को लेकर जल्द ही खुलासा किया जाएगा। सरकारी कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होना जरूरी है। पहले यह योग्यता 5वीं और 8वीं की थी। कार्मिक विभाग ने भर्ती नियमों में संशोधन करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अब सीधी भर्ती की बजाय लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। उसके लिए बोर्ड को अधिकृत किया गया है और भर्ती परीक्षा में सामान्य ज्ञान और गणित से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। पिछले माह 29 सितंबर को कैबिनेट की बैठक में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए 10वीं पास होने की योग्यता को मंजूरी दी गई और साथ ही सरकार ने 60,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत के लिए बनाए गए सी विजिल पर झूठी शिकायतों की संख्या बढ़ रही है। आचार संहिता लगने के बाद अब तक 7 शिकायतें दर्ज हुई जिसमें 1 भी सही नहीं मिली। इसमें पोस्टर के माध्यम से आचार संहिता के उल्लंघन को पाया गया है। प्रशासन का दावा है कि शिकायत का 100 मिनट से पहले निस्तारण कर दिया गया था और वही 6 शिकायत में शिकायतकर्ता ने खुद की फोटो के अलावा अन्य जगहों की फोटो डाल रखी थी, जिसका चुनाव से कोई संबंध नहीं था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। सांध्या मोटर टाइम्स की मीडिया पार्टनरशिप में श्रीगंगानगर में इस बार लगने जा रहा है प्रॉपर्टी बिल एक्सपो और ये लगेगा अग्रवाल ट्रस्ट हनुमानगढ़ मार्ग बालाजी धाम के पास श्रीगंगानगर में 18 से 20 अक्टूबर को शुक्रवार शनिवार और रविवार को प्रातः 10 से रात्रि 8 बजे तक। प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो में इस बार दिवाली में बरसेगा धन और साथ ही करवा चौथ के अवसर पर महिलाओं के लिए 18 से 20 अक्टूबर तक मेहंदी लगाने की भी निशुल्क व्यवस्था की गई।
इस एक्सपो में श्रीगंगानगर शहर व अन्य शहरों में प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, कोठी खरीदने और बेचने का मिलेगा आपको एक ग्रीन अवसर। और एक्सपो में आने वाली महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री में मेहंदी लगाई जाएगी और इस एक्सपो में मिलेगा आपको अपने मन पसंद की प्रॉपर्टी खरीदने का और बेचने का भी मौका। इस एक्सपो में एंट्री बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, तो जल्दी जल्दी आइए और विजिट कीजिए इस प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।